अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वॉचिंग द लॉ सेशन। हम लॉ गैट का सिलेबस पढ़ रहे हैं जिसमें हम सीपीसी पढ़ रहे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डन अप टिल सेक्शन 18, सॉरी सेक्शन 16। टुडे वी विल डू सेक्शन 17 एंड ऑनवर्ड्स। सो सेक्शन 17 हेडिंग क्या है? हेडिंग कहती है सूट्स ऑफ फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज सिचुएट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। यानी ये सेक्शन 17 में ये बताया जाएगा कि अगर एक प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएट कर रही है, यानी उसका एक पोर्शन कोर्ट ए की, कोर्ट ए जो सिविल कोर्ट है उसमें की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है, उसका एक पोर्शन कोर्ट बी की ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में, तो उस सिचुएशन में हम सूट कहाँ पर फाइल करेंगे। So let's see what the section states. Section states that where a suit to obtain a relief respecting or compensation for wrong to immovable property situated within the jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated. इसमें section में simple words में ये कह दिया गया है कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका कोई पोर्शन डिफरेंट कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, डिफरेंट कोर्ट्स की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, तो आप किसी भी कोर्ट में उनमें से जाके सूट फाइल कर सकते हैं। ये जनरल बात उसने बता दी, लेकिन आगे प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है कि प्रोवाइजो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाई सच कोर्ट। अब इसकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो तीन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में उसकी पोर्शन आ रहे हैं, कोर्ट ए, कोर्ट बी, कोर्ट सी, लेकिन कोर्ट ए जो है वो ग्रेड सी की अदालत है, वो 10 लाख तक के मुकदमे सुन सकती है। कोर्ट बी जो है उसकी जो पिकनेरी ज्यूरिसडिक्शन है वो है 50 लाख, वो 50 लाख तक के मुकदमे जो है, सिविल दावे जो है वो सुन सकती है। और जो कोर्ट सी है उसकी जो वो ग्रेड ए की सिविल कोर्ट है वो 50 लाख से अबव जितने भी केसेस हैं वो सुन सकती है। सो हमारा जो सूट हमने फाइल करना है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो इन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है, उसकी वैल्यू है फॉर इंस्टेंस 35 लाख। अब इसमें यहाँ पे ऊपर तो सेक्शन में कह दिया गया कि जी हम ए में भी फाइल कर सकते हैं, बी में भी फाइल कर सकते हैं, सी में भी फाइल कर सकते हैं, बट जो प्रोवाइजो ने ये कह दिया कि आपने उस कोर्ट में फाइल करना है, दो व तीनों की ज्यूरिसडिक्शन में तो आ रही है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में तो आ रही है, बट उस कोर्ट में फाइल करना है जो होल क्लेम को डिसाइड करने की ज्यूरिसडिक्शन रखती हो। फॉर इंस्टेंस अब हमारी इस सिचुएशन में हमारी वैल्यू आई 35 लाख, लेकिन जो कोर्ट ए है वो 10 लाख तक के मुकदमे सुन सकती है, वो ग्रेड 3 की है, तो हम यहाँ पे तो सूट नहीं फाइल कर सकते। कोर्ट बी जो है वो 50 लाख तक के सूट सुन सकती है, ग्रेड 2 की वो कोर्ट है, वहाँ पे अब हमारा क्लेम है 35 लाख तक का, सूट की वैल्यू जो है वो 35 लाख तक की है, तो कोर्ट बी उसको सुन सकती है, हम कोर्ट बी में सूट फाइल करेंगे। कोर्ट सी जो है वो 50 लाख से अबव चली जाती है, वो ग्रेड ए की कोर्ट है, तो हम किस कोर्ट में सूट फाइल करेंगे? कोर्ट बी की, क्योंकि ये प्रोवाइजो की शर्त यहाँ पे पूरी होती है। सो ये था सेक्शन 17, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल सा है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में उसके पोर्शंस आ रहे हैं तो आप किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, बट शर्त आपने ये जेहन में रखना है कि जो जिस भी कोर्ट में हम फाइल करेंगे, ए बी सी डी, जो भी जिन 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 की ज्यूरिसडिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है उस कोर्ट में करना है कि जो कि हमारे पूरे कोर्ट सूट की जो वैल्यूएशन को डिसाइड करने की, जो हमारी मालियत है उसको डिसाइड करने की उसकी पिकनेरी ज्यूरिसडिक्शन हो, वो होल जो हमारा कॉग्निजेंस वो ले सकती हो पूरे सूट के क्लेम की। अब इसमें से अगर पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी किसी डिफरेंट कोर्ट्स की उसमें सिचुएट कर रही हो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में, तो हम किस कोर्ट की में उसको फाइल करेंगे?
तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं, उसमें साथ ये ऑप्शन होगी कि किसी भी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं या फिर उस कोर्ट में फाइल कर सकती है जो जो द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इंटायर क्लेम कॉग्निजेबल, पूरे सूट की वैल्यू को डिसाइड कर सकती हो, तो हम इसमें टिक करेंगे जो पूरे सूट की वैल्यूएशन, या सी हो जाएगा कि ऑल ऑफ देम। सो हम दोनों पूरी बनती हैं कि किसी भी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, या बट प्रोविजो वाली बात कि उसकी सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करने की उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। सो ये था अगर प्रॉपर्टी, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट्स की सिचुएशन में, तो इससे कौन सा सेक्शन डील करता है। हमने सेक्शन 17 जेन में रखना है। ये सेक्शन 17 कौन सी प्रॉपर्टी से डील करता है, मूवेबल या इमूवेबल, हमने ये भी याद रखना है कि इस क्वेश्चन का जवाब होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 16 और सेक्शन 17 दोनों ही इमूवेबल, अभी तक इमूवेबल से ही चल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 18। सेक्शन 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। अब लास्ट जो हमने सेक्शन 17 पढ़ा था, वहाँ पे हमें पता था कि जो प्रॉपर्टी है वो किस किस को उस वो कोर्ट वो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आ रही है। हमें यहाँ तक पता था कि ये कोर्ट्स में वो लाई करता है, उस वो सिचुएट कर रही है। अब यहाँ पे उसने कह दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, हमें ये ही नहीं, हमें अनसर्टेन है कि किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। इसके दो सबसेक्शन हैं। अब इसका ये देख लें, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ए से कोर्ट ए बी सी डी ई पांचों में से किस में सिचुएटेड सिचुएट कर रही है, किस में मौजूद है, हमें यही नहीं पता, तो हमने क्या करना है। सबसेक्शन क्लॉज वन इसकी कहती है सेक्शन 18 की, वेयर इट इज़ अलेज्ड टू बी अनसर्टेन विद द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच ऑफ टू और मोर कोर्ट्स एनी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएट। यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हम ये जाके कोर्ट को कह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस हमें नहीं पता कि कोर्ट ए बी सी डी में से किसके पास किसकी लोकल लिमिट्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, और हम कोर्ट में जब सूट फाइल कर रहे हैं, स्ट्रेट वे जाके हम कोर्ट में ये प्ली ले रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी किस ये इमूवेबल प्रॉपर्टी किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में सिचुएट कर रही है। एनी ऑफ दोज कोर्ट्स में, वो ए बी सी डी वो जितनी भी कोर्ट्स हैं उनमें से किसी भी कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हैं। इफ सेटिस्फाइड देर इज़ ग्राउंड फॉर द अलेज्ड अनसर्टेनिटी। यानी आपने जाके वहाँ पे कोर्ट को कन्विंस करना है कि हमें अनसर्टेनिटी का जो ग्राउंड हमने लिया है हमें नहीं पता। अगर तो वो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट एंड देयर अपॉन प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी एंड इट्स डिक्री इन द सूट शेल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ द प्रॉपर्टी वर सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिस्डिक्शन। सीधी सी बात सिंपल वर्ड्स में मैं अब यहाँ पर क्लियर करता हूँ, एक प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी, हमें नहीं पता ये कोर्ट ए बी सी में से किसकी ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएट कर रही है, हम सूट फाइल कर देते हैं फॉर इंस्टेंस कोर्ट सी में जाके, वहाँ पे हमने प्ली लेनी है, ये ग्राउंड लेना है कि हमें अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता कि ये किस बी में सी में ए में किस में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे कोर्ट जो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी रिगार्डिंग दिस पॉइंट के जी अनसर्टेन है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो किसकी जुरिस्डिक्शन में लाई कर रहा है, अब ये नहीं पता, तो ये एक कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद कोर्ट प्रोसीड करेगी विद द सूट, वो उसका पूरा प्रोसेस करेगी, उसका ट्रायल चला देगी, और उसके बाद जब वो डिक्री देगी कोर्ट, तो वो ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन थी, उसकी डिक्री को माना जाएगा। ये सेक्शन 18 कह रहा है। अब इसका बी पार्ट सॉरी सेकंड क्लॉज क्या कहती है, सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे दूसरी सिचुएशन आई है कि हम चले तो गए कोर्ट के पास, लेकिन कोर्ट ने स्टेटमेंट ही नहीं रिकॉर्ड की रिगार्डिंग द अनसर्टेनिटी, कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं थी, उसने कोई स्टेटमेंट भी नहीं रिकॉर्ड की, और क्या किया,
अंडर सबसेक्शन 1 जो ये रिक्वायरमेंट थी स्टेटमेंट वाली, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोर्ट ने ये नहीं किया, एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर द एपलेट और रिविजन कोर्ट दैट अ डिक्री और ऑर्डर इन अ सूट रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी वॉज मेड बाई अ कोर्ट नॉट हैविंग ज्यूरिस्डिक्शन वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट। अब यहाँ पे हो गया कि दूसरी क्लॉज में ये कह रहा है कि कोर्ट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की, वो प्रोसीड कर लिया उन्होंने ट्रायल के साथ, उन्होंने डिक्री पास कर दी, अगर दूसरी पार्टी ने उसके खिलाफ अपील फाइल कर दी या रिविजन फाइल की, अपील फाइल की वहाँ से भी जो फैसला है उसके बाद रिवीजन लाई करती है, तो उसने रिवीजन तक उन्होंने कहा अपील या रिवीजन अगर दोनों फाइल की और वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि इस कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं हासिल थी, यहाँ पे तो प्रॉपर्टी सिचुएट ही नहीं कर रही, तो क्या होगा, द एपलेट और रिविजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन। तो जो एपलेट कोर्ट है वो नॉर्मली ये होगा कि वो इस ऑब्जेक्शन को एपलेट या रिविजनल कोर्ट्स पे एंटरटेन नहीं करेगी, ये सबसेक्शन 2 कह रहा है, अनलेस इन इट्स ओपिनियन देयर वॉज एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी एज टू द कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट देयर टू एंड देयर हैज़ बिन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। यहाँ पे ये कह दिया गया है कि पहली बात तो ये कि अगर आप एपलेट या रिविजनल स्टेज पे जाके ऑब्जेक्शन लेते हो कि कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, इन्होंने फिर भी ये डिक्री पास कर दी है, पहली बात तो ये कि एपलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगी कि आप इतना लेट आके यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले रहे हो, नीचे आपने नहीं ली, पहली बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि यस अगर ये वहाँ पे प्रूव कर दिया जाए एपलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में कि वहाँ पे कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई और इससे इनजस्टिस हो गया, कोर्ट ने प्रॉपरली इसको मैटर को हैंडल नहीं किया अनसर्टेनिटी से रिलेटेड और उन्होंने डिक्री पास कर दिया और यहाँ पे बड़ा इनजस्टिस हो गया, बड़ा जो फेलियर ऑफ जस्टिस है यहाँ पे, तो क्या रिविजनल और एपलेट कोर्ट उस फैसले को, उस डिक्री को सेटिसाइड भी कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो ये था सेक्शन 18। सेक्शन 17 अगर तो वो था कि वहाँ पे सर्टेन थी, यहाँ पे अनसर्टेन है, अगर अनसर्टेन होगी तो आप किसी भी कोर्ट में फाइल करोगे लेकिन आप ग्राउंड लोगे, वहाँ पे कोर्ट उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, अगर वो और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद वो ट्रायल पूरा करेगी और ऐसा ही समझा जाएगा जैसे इस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन थी, इसको उसके पास इख्तियार समाअत था, उस स्टेज पे ऑब्जेक्शन उठाया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और एपलेट या रिविजनल स्टेज पे जाके ऑब्जेक्शन उठाया तो कोर्ट उस फैसले को, उस डिक्री को सेटिसाइड भी कर सकती है, रिवर्स भी कर सकती है, इसलिए जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी आएगी तो ये कोर्ट पे ज़रूरी है कि वो इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। ये था जी सेक्शन 18, सेक्शन 17 एंड 18। अब ये सेक्शन 18 से अगर इससे अगर पॉसिबल क्वेश्चंस अगर हम बनाएं तो किस सेक्शन में अनसर्टेनिटी अगर हो तो उससे रिलेटेड सूट्स डिसाइड कर सकते हैं, इस किस्म का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो सेक्शन 18 अनसर्टेनिटी, फिर उसमें आ जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, उसमें अगर एक ऑप्शन है टू रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट तो वो आएगी, हमने उसको टिक करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है यहाँ पे कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी अनसर्टेनिटी से रिलेटेड कोड सेक्शन 18 में। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड सेक्शन 17 एंड 18। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।